हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पब्लिक किचन। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब सेहतमंद और खुशहाल होंगे। आजकल गोभी बाज़ार में बहुत आई हुई है और गोभी आलू खा खा के बोर हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ गोभी की भुर्जी की रेसिपी शेयर करूँगी जो खाने में बहुत स्वाद लगती है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। गोभी की भुर्जी बनाने के लिए ये मैंने आधा किलो गोभी का सिर्फ फूल लिया है डंठल हटा के, और इसको मैंने इस तरह से देखिए बारीक बारीक काट लिया है। बिल्कुल सिर्फ फूल फूल काटना है, डंठल नहीं लेने हमने इसमें। इसको धो के मैंने साफ़ करके अच्छी तरह से इसको बारीक बारीक काट लिया। इसके अंदर डालने के लिए एक कटोरी मैंने मटर लिए हैं, फ्रेश मटर है। अदरक 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और 3 हरी मिर्चें जिसको बारीक बारीक काट लिया है। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम बढ़ती कर सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे। इसको हम सरसों के तेल में ही बनाएंगे, उसी में ये टेस्टी बनती है। तेल गर्म होने दें इसको। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे, साथ में 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें अदरक डाल के इसको हम फटाफट हिला लेंगे ताकि हमारा मसाले सड़े ना। हरी मिर्चें भी डाल देंगे इसमें और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अदरक को हमने बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, और मटर डाल के इसको पका लेंगे। 5 मिनट मटर डाल के हम पकाएंगे ताकि मटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, और धोने के बाद थोड़ा पानी भी आ जाता है इसमें। पानी सूखने तक हम इसको पका लेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। नमक डालने से हमारे मटर वगैरह अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगे जल्दी। अब इसको हिला लेंगे अच्छी तरह ताकि मसाला मिक्स हो जाए इसमें हल्दी और नमक। फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें। अब हम इसमें जो हमने गोभी बारीक बारीक काट के रखी थी उसको डाल देंगे। जितने आप बारीक काट सकते हैं उतना बारीक काट लें इसको। अब हमने इसमें पानी नहीं डालना, बस इसको हिलाना है और उसके बाद इसको स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। हल्का हल्का स्टीम में पके ये अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसको। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दें और इसको मिक्स कर लें। गोभी को मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर लें। थोड़ी देर गोभी को भी इसी के अंदर फ्राई होने दें। गोभी हमारी अच्छी तरह मिक्स होगी, फ्राई होगी। अब हम इसको ढक के पकाएंगे, 10 मिनट ढक के पकाएंगे। यह मैंने खोल के देखा, अभी हमारी गोभी पकने में थोड़ा टाइम है। देखिए कलर का भी अभी चेंज है इसमें, और हल्का हल्का पानी भी है। गोभी पानी छोड़ देती है। अभी हम इसको फिर ढक देंगे और लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे। 10 मिनट और पका लेंगे। 10 मिनट के बाद देखिए अभी हमारी गोभी की शक्ल भी चेंज हो गई है, और अब इसको हम चेक भी कर लेंगे कि हमारे मटर और गोभी जो है गल गए हैं, पक गए हैं या नहीं। चेक कर लें, मटर तो हमारे गल चुके हैं, गोभी को भी हम चेक कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच काली मिर्च, बस इसके अंदर बहुत कम मसाले डालने हैं आपने, तभी इसका गोभी का टेस्ट आएगा। बस इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। ये देखिए मटर गल गए, गोभी भी गल गई। बस ये हमारी गोभी और मटर की भुर्जी बनके तैयार हो गई है। इसको आप गोभी का कीमा भी लोग कहते हैं। इसको गर्मा गर्म आप परोसें। अभी हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। अच्छी तरह मसाले मिक्स कर लें। खड़ी खड़ी सब्जी बनती है ये, और धनिया डाल के इसको गार्निश कर लें और मिक्स कर लें। गैस को बंद कर दें और गर्मा गर्म इसको हम सर्व करेंगे। आप परौंठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी इसको खाएं, बहुत टेस्टी लगेगी। सिंपल दी बेस्ट गोभी और मटर की भुर्जी बनके तैयार हो गई। इसको आप खाएंगे तो आपको इस गोभी का ही स्वाद आएगा, ना कि मसाले मसालों का स्वाद आए। और ये देखिए ये हमारी गोभी और मटर की भुर्जी बनके तैयार हो गई। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलते हैं।